हेलो गाइस, गाइस मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में पेन कार्ड कैसे अप्लाई करेंगे। सी एस सी आई टी सी सी आपको जो भी आपको डिजिटल आपको बनेगा, ठीक है। आपको जो आपको फिजिकल आपको कोई भी डॉक्यूमेंट जमा करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको कैसे अप्लाई करेंगे चलिए मैं आप पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ। तो सबसे पहले चैनल बने आए यहाँ सब्सक्राइब कर दें और यहाँ बेल आइकन ऑल प्रेस कर। चलिए मैं बता पेन कार्ड कैसे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर डिजिटल सेवा यहाँ पर आएंगे, चले आएंगे यहाँ पर सी एस सी में डिजिटल सेवा। यहाँ पर आपको टाइप करेंगे पेन कार्ड, पेन कार्ड यहाँ पर आपको फीचर मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं पेन कार्ड ई के वाई सी सर्विस, इस पर आप टैप करेंगे। तो वो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे मिलेगा आपको लॉग इन हेयर, यहाँ पे मिलेगा क्लिक हेयर। इस पर आप चले जाएंगे क्लिक हेयर पे, जो भी आपका सी एस सी से डिजिटल जो बनता है आपको, ठीक है। आपको कहीं भी डॉक्यूमेंट आपको कोई जगह में जमा कराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे मिलेगा आपको पेन कार्ड अप्लाई जो न्यू है, हम देख रहे हैं एप्लीकेशन फॉर न्यू पैन कार्ड 49 ए सर्विस। इस पर आप टैप करेंगे तो आपको यहाँ पर रीडायरेक्ट करेगा। और यहाँ पर रीडायरेक्ट करने के बाद यहाँ पर मिलेगा पैन फॉर्म। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको टर्म कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पर मिलेगा आपको डिजिटल मोड। तो जो भाई डिजिटल मोड से बनाएंगे तो यहाँ पर मिलेगा डिजिटल मोड, ठीक है। फिजिकल मोड में दोनों मोड बना सकते हैं। चलिए मैं बताता हूँ डिजिटल मोड। तो डिजिटल मोड बनाने के लिए यहाँ पे मिलेगा आधार बेस्ड ई के वाई सी होगा, जो आधार कार्ड चेंज ई के वाई सी होता है साइन होता है उसके थ्रू से बनता है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर देख रहे हैं आपको चाहे तो डिजिटल मोड चाहे फिजिकल मोड, फिजिकल मोड में जो प्रिंटर होता है उसको निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। नहीं तो यहाँ पर डिजिटल मोड बनाएंगे तो कहीं भी आप कोई डॉक्यूमेंट जमा करेंगे कोई जरूरत नहीं है। और आपको ई के वाई सी जो होता है फिजिकल आपको कहीं भी डॉक्यूमेंट आपको वही देख रहे हैं वो नॉन नीड आपको सबमिट डॉक्यूमेंट है, इसलिए बना देंगे आपको ई के वाई सी बनाएंगे, ठीक है। सेम प्रोसेस बनेगा ई के वाई सी में आधार बेस। सबसे पहले इंडिविजुअल को बनेगा, ठीक है। यहाँ पे लेगा आपको इस वाले में यहाँ पर नो करना है आपको। यहाँ पे लेगा पेन कार्ड मोड, तो मुझे यहाँ पे बहुत चाहिए, यहाँ पे फिजिकल और ईमेल दोनों पे चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे चलेंगे सबमिट पेन फॉर्म, यहाँ पे जो यहाँ 49 ए सर्विस यहाँ खुल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा, इसको ओके करेंगे। यहाँ पे लेगा सेलेक्ट फोन नेम किसका बनाना चाहता है, ठीक है। आपको श्रीमती कुमारी आपको और श्री श्री का बना मैं बनाना चाहता हूँ, ठीक है। उसके यहाँ पर लास्ट नेम फिलअप करेंगे। उसके यहाँ पर फर्स्ट नेम फिलअप करेंगे यहाँ पे आपको, ठीक है। ऑटोमेटिक यहाँ पर देख रहे हैं पेन कार्ड पर जो नाम रहेगा वो नाम यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे डू यहाँ पे इसको यहाँ पे कोई और आपका नाम है तो यहाँ पे यस करेंगे, नो करेंगे, नो कर देंगे। यहाँ पे जेंडर आ जाएगा ऑटोमेटिक। आपको यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है। चलिए मैं डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, डेट ऑफ बर्थ सही सही फिलअप कर देंगे। डेट ऑफ बर्थ फिलअप करने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं आपको ऑटोमेटिक ऑफ रहेगा, ठीक है। तीन यहाँ पर सेक्शन यहाँ पर देख रहे हैं आपको, ये आपको स्टेट आपको यहाँ पर देख रहे आपको रिप्रेजेंटेटिव स्टेट ये भी आपको ऑफ रहेगा आपको, ठीक है। नॉट रिक्वायर कोई भी इसमें रिक्वायर्ड नहीं है। नीचे तरफ स्क्रॉल डाउन यहाँ पर आपको आधार नंबर डालेंगे कस्टमर का, फिर से आपको री एंटर करना पड़ेगा आपको यहाँ पर देख रहे आपको। उसके बाद ओके यहाँ पे आपको नाम डालना पड़ेगा जो भी आपका आधार कार्ड में है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट पे टाइप करेंगे। जैसे आप नेक्स्ट पे टाइप करेंगे यहाँ पे आपको पेमेंट डिटेल बोलेगा, यहाँ पे मिलेगा मेक पेमेंट। तो आपको जो भी पेमेंट है आपको रिटर्न करेगा, आपको वॉलेट जो आपका सी एस सी है उसे करेगा। आपको सी एस सी जो उसका आई डी है अपना आप यहाँ पासवर्ड डाल देंगे, पासवर्ड डालने को वैलिड डेट। यहाँ पे आपको बोलेगा पिन डालने के लिए, चलिए मैं आपको मैं पिन डाल देता हूँ यहाँ पे वॉलेट पिन 99 रुपये यहाँ पर कट रहा है, 2 रुपये आपका चार्जेज है, ठीक है। आपको इसमें कुछ कमीशन मिल जाएगा, आपको रिटायर कर देगा। मेरा पेमेंट यहाँ सक्सेसफुल हो गया। पेमेंट होने के बाद यहाँ पे आपको देख रहे आपको यहाँ पर सबसे पहले आपको एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा, बोलेगा आधार कार्ड लिंक करना पड़ेगा आपको। आधार कार्ड से लिंक हो गया, ठीक है। पेन कार्ड यहाँ पे आपको कंट्री कोड
जैसे यहाँ पे कंट्री कोड इंडिया है तो इंडिया सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालेंगे, ठीक है, टेलीफोन नंबर नहीं डालना, आपको डालना है मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर यहाँ फिलअप करेंगे और यहाँ पे ईमेल आईडी, चलिए मैं मोबाइल नंबर फिलअप करता हूँ। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं मोबाइल नंबर फिलअप कर देंगे, यहाँ पे आप ईमेल आईडी फिलअप कर देंगे और यहाँ पे आपको नो पे क्लिक करना है, ठीक है। आपको यानी पैन कार्ड पर किसके नाम चाहिए, पापा का या मदर का, यानी फादर का या मदर का, तो मैं नो पर क्लिक करूँगा यानी पापा का नाम रहेगा, ठीक है। या अगर यस करेंगे तो आपको मम्मी का नाम आएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर पापा का नाम डालना है उनका, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर पापा का नाम लास्ट नेम डाल देता हूँ, नेम डाल देंगे। चलिए मिडिल नेम भी है इनका, मिडिल नेम डाल देंगे। मिडिल नेम नहीं है इसको छोड़ देंगे, ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। यहाँ पे आप मदर का नाम डालेंगे, यहाँ पे मदर का लास्ट नेम, यहाँ पे फर्स्ट नेम है तो डालेंगे, यहाँ पे मिलेगा। फादर का यहाँ पे नाम आएगा पैन कार्ड पे, देख सकते हैं, और ये मदर का, तो फादर का यहाँ पे नाम रहेगा, ऑटोमेटिक रहेगा, सेव रहेगा। और यह भी डालने के बाद इसको करेंगे नेक्स्ट। जैसे यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे तो जो भी आपको ओटीपी बेस होगा, यहाँ पर आधार कार्ड से यहाँ पर देखो ऑथेंटिकेट होगा, आपको ईकेवाईसी होगा, जो भी आपका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है उसमें गज क्या होगा, एक ओटीपी जाएगा, तो ओटीपी के लिए आप मिलेगा और बायोमेट्रिक के लिए यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं ओटीपी बेस करता हूँ, तो ओटीपी मैं यहाँ पर फिलअप करता हूँ, ओटीपी बेस, ओटीपी फिलअप करेंगे, यहाँ पर मिलेगा रजिस्टर मोबाइल पर, यहाँ पर ओटीपी जाएगा, ओके प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे ओटीपी फिलअप करेंगे, चलिए मैं ओटीपी को फिलअप करता हूँ, ओटीपी फिलअप करने के बाद यहाँ पे मिलेगा सबमिट, इसको यहाँ पर टिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सब उस डिवीजन में डालने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं इसको यहाँ पे छोड़ देंगे, यहाँ पे एरिया आप आ रहा, सब डिवीजन में यहाँ पर डाल देंगे। यहाँ पे जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट सिटी ऑटोमेटिक ले लेगा, आपको पिन कोड आपको ऑटोमेटिक ले लेगा, जो भी आपका है। यहाँ पे आपको आता है, यहाँ पे आता है, यहाँ पे आपको सैलरी सोर्स ऑफ इनकम सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे मिलेगा सोर्स ऑफ इनकम, अदर सोर्स ऑफ इनकम, नेक्स्ट कर देंगे, पर टाइप करेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पर, और यहाँ पर देखें एरिया कोड ए ओ टाइप, रेंज कोड रेंज नंबर, यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर नीचे तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे, इसके यहाँ पे आपको हिम सेल हर सेल, इसको यहाँ पे देखा ऑटोमेटिक आपका नाम आ जाएगा, फिर फाइन नेम, जब भी आपको प्लेस है प्लेस अपना डाल देंगे आपको, और ये प्लेस डालने के बाद यहाँ पे लेगा नेक्स्ट स्टेप, इस पर आप टाइप करेंगे। तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पर देखा डॉक्यूमेंट जो अपलोड होगा, यहाँ पर देख रहे आपको बोल रहा है डिजिटल सेवा, यहाँ पर आपको ई साइन होगा, ठीक है, ई साइन मोड होगा, इसमें आपको आधार कार्ड से यहाँ पर देखा ऑथेंटिकेट आपको ऑटोमेटिक होगा। यहाँ पर देख रहे एड्रेस प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ और DOB, यहाँ पर दोनों आपको अटैच, तीनों आपको अटैचमेंट ले चुका है, और यहाँ पे मिलेगा आपको सबमिट, इसे यहाँ पे सबमिट करेंगे तो यहाँ पे आपको अटैचमेंट करना पड़ेगा, यहाँ मिलेगा आधार कार्ड, वर्चुअल आईडी और UID टोकन से कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं करूँगा आधार नंबर से, यहाँ पे आधार नंबर फिलअप करेंगे, कस्टमर का इनका अप्लाई किया आधार नंबर फिलअप करेंगे, आधार नंबर फिलअप करने के बाद यहाँ पे मिलेगा OTP कैसे गिराएंगे, यहाँ पर देखें OTP और इंटर TOTOPTT, ठीक है, यानी ये टंगा था। चलिए मैं OTP गिराऊंगा, तो यहाँ पर मिलेगा गेट OTP, यहाँ पे आपको OTP यहाँ प्रोसेस होगा और यहाँ पर प्लेज वेट करेगा, आपके रजिस्टर मोबाइल पे एक OTP जाएगा। चलिए मैं OTP को रिसीव करता हूँ, जैसे आप OTP फिलअप करेंगे, OTP नहीं आएगा तो यहाँ पर रिसेंड भी कर सकते हैं, और यहाँ पर मिलेगा सबमिट, ठीक है। जैसे आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं आर यू प्रोसीड्स प्लीज वेट, यानी अब जो भी OTP वेरीफाई होगा, वेरीफाई होने को यहाँ पर देख रहे हैं आपको, आप तो वह यहाँ पर देख रहे हैं आपको इस तरह से मिल जाएगा, आपको रिसीविंग मिल जाएगा, तो रिसीविंग को यहाँ पर देखा प्रिंट आउट कर लेंगे। चलिए मैं इसको मैं रिसीविंग को स्क्रीन शॉट कर लेता हूँ, ठीक है, प्रिंट आउट यहाँ से कर लेंगे, प्रिंट मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा डाउनलोड ई साइन पेन पेन फॉर्म, तो इसको भी आपको डाउनलोड कर लेना है, यहाँ पर मिलेगा डाउनलोड ना डाउनलोड कर लेंगे, तो यहाँ पर देख रहे इस तरह से मिलेगा आपको फॉर्म मिलेगा, तो इस फॉर्म को यहाँ पर देख रहे आपको यहाँ पर रख सकते हैं, इसको डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं ऑनलाइन अभी EKYC हुआ है, ठीक है, जिसमें आपको कोई आपको यहाँ पर जो भी फोटो आपका है आधार कार्ड बेस से आप फोटो ले लिया ऑटोमेटिक यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से आपको पैन कार्ड आपको 2-3 दिन में आपको बन जाएगा और ईमेल पे चला जाएगा, इस तरह से अप्लाई कर लेंगे, ठीक है।